रेवाड़ी नगर परिषद की बेसहारा गौवंशों को काबू करने की मुहिम फेल साबित हो रही है। रविवार को तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में गौवंश का एक झुंड एक व्यक्ति पर अचानक हमला कर देता है। करीब 10 मिनट तक उसे पैरों से कुचलने का प्रयास होता है। गौवंश के हमले का शिकार हुआ युवक चीखता चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग उसे बचाने पहुंचे, तब दूसरे शख्स पर एक गौवंश ने हमला कर देता है। हालांकि इस युवक को बचा लिया गया, मगर यह घटना अन्य लोगों को भी सबक देने वाली है। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो में एक युवक पर गौवंश का झुंड हमला करते हुए साफ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो रेवाड़ी शहर की ब्रास मार्केट में पास खाली पड़ी जमीन का है। यहां आसपास के लोग कचरा डालते हैं। शनिवार को एक शख्स ब्रास मार्केट में बाइक पर आ रहा था। रास्ते में गाय व सांड का झुंड बैठा हुआ था। इससे पहले यह शख्स कुछ समझ पाता, एक गौवंश ने उस पर हमला कर दिया। इसी दौरान अन्य गौवंश ने भी उसे टक्कर मारनी शुरू कर दी। युवक को दोनों गौवंश नीचे गिरा देते हैं और फिर उसे बुरी तरह पैरों से कुचल दिया। उसे काफी दूर तक लुढ़ाते हुए दोनों गौवंश ले गए। युवक चीखता चीलता रहा। इस दौरान युवक को बचाने के लिए कुछ युवक पहुंचे तो एक अन्य शख्स पर गौवंश ने हमला कर दिया। इस बीच कुछ अन्य गौवंश भी हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ी तो गौवंश को लाठी डंडों की मदद से खदेड़ा गया। गौवंश के हमले की यह घटना पास में एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक की जान तो बच गई, लेकिन वह गौवंश के हमले में बुरी तरह जख्मी हुआ है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह गौवंश उस पर हमला कर रहे हैं।